लैमर डेटिंग ऐप। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि ये लैमर डेटिंग ऐप क्या है और क्या है इसकी सच्चाई, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ और साथ साथ आप भी जानेंगे कि वास्तव में ये लैमर डेटिंग ऐप है क्या। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से मैं आपको बताऊँगा कि ये वीडियो आपके कितनी काम की है। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आप अपना नेट ऑन कर लीजिए। किसी भी वेबसाइट चलाने के लिए नेट बहुत ज़रूरी होता है, इसको ऑन करके रखिए। देखिए, मैंने पहले से लैमर ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप आपके पास नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये ऐप जो है एक बेकार ऐप है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको अलाउ परमिशन, यानी कि आपको देखिए लोकेशन और आपके लोकल स्टोरेज के बारे में ये परमिशन मांग रहे हैं। चलिए मैं आपको आगे करके दिखा देता हूँ। फिर से ये आपके डिवाइस के लोकेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं अलाउ कर देता हूँ और आपके सभी फोटो मीडिया फाइल को भी चलिए अलाउ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको पूछ रहा है लॉगिन करने के लिए, बोल रहे चलिए फेसबुक से लॉगिन हो जाते हैं फटाफट। ओके, तो हम लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यू। जी कंटिन्यू भी कर देते हैं, देखते हैं आगे और क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इस तरह से बहुत सारी लड़कियों के जो है फोटो आ चुके हैं। इन्हीं फोटो को देखकर हमारे बहुत सारे जो युवा है वो भटक जाते हैं और इधर उधर इस टाइप की फालतू ऐप में लगे रहते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के नाम हैं और ऊपर में लिखा है ऑनलाइन, और यहाँ पे आप देखेंगे देखिए रिकमेंडेड में इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और उन लड़कियों से बात कर सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। चलिए हम किसी एक को उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनली लिखा हुआ है कि कॉल करो मज़े लो। देखिए चलिए मैं इसको, लो भाई चलो मज़े देखते हैं क्या मज़े करवाए हुए। तो फोटो ओपन हो गया है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हाय करके मैसेज है, फिर एक ये वीडियो कॉलिंग, एक वॉइस कॉलिंग। चलिए एक मैसेज लिखते हैं, ये क्या चला गया मैसेज, नाइस टू मीट यू, मेरा फ़ोन अभी वाइब्रेट हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मलिनी हाय, ऐसा मुझको मैसेज आया है। मैंने तो भाई इसको कुछ लिखा ही करनी है, फिर भी उसका तरफ से मैसेज आया। चलिए वीडियो कॉल दबा के देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेंबर कैन टॉक विथ एनीबडी, गेट मेंबरशिप, ये इनसे बात करने के लिए हमको एक मेंबरशिप प्लान लेना पड़ेगा। चलिए इसको बाद में देखेंगे। और ये कॉल में फिर वैसे ही कॉल भी, यानी कि कुछ भी आप दबाओगे तो देखिए इस टाइप की मेंबरशिप प्लान लेने के लिए बोल रहा है। तो हम देखते हैं, चलिए इधर एक वापस बैग में, और यहाँ पे देखिए मैसेज बॉक्स है हमारे पास। तो देखिए इतनी सारी लड़कियाँ मुझे मैसेज कर रही हैं, है ना, तो आप समझ सकते हैं कोई इतनी खाली थोड़ी, और इतनी खूबसूरत लड़कियाँ जो आपको मैसेज करे वो भी फालतू का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे चलो हम भी हाय बोल देते हैं, मेरा मैसेज गया। नीचे लिखा है वेटिंग फॉर द रिप्लाई, अब उसके रिप्लाई का हम वेट करते बैठे रहे। चलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते ये कॉल करो मुझे। तो आप यहाँ पे देखिए नाइस टू मीट यू, एक ऐसा मैसेज मेरी तरफ से गया है और नीचे लिखा रिप्लाई। तो चलिए मैं रिप्लाई करता हूँ। तो बस यही वो पेज था जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए उससे बात करने के लिए हमको 199 रुपये 1 महीने के लिए, 499 रुपये 3 महीने के लिए पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेंबरशिप पैकेज है। इसी तरह से ये सभी ऐप बनाने वाले लोग लूटते हैं, और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ऐसी बेकार की चीज़ों में फंस जाते हैं और अपने मेहनत की कमाई हुई पैसे जो है यहाँ पे गंवा देते हैं। तो आप यहाँ से बाहर हो जाइए, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें बकवास है। तो ये बकवास कैसे, उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी दे सकता हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे गूगल प्ले स्टोर में और सर्च करेंगे लैमर ऐप और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि ये डेवलपर कौन है, इसका इसको बनाने वाला कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये चाइना, बीजिंग सिटी चाइना का है। ये वैसे भी चाइना की चीज़ें ख़राब होती है आपको पता है,
तो चलिए और नीचे चलते हैं और रिव्यू चेक करते हैं। दोस्तों, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप उसके रिव्यू ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, हमारे सौरभ सिंह का रिव्यू है, रोस्ट ऐप, यानी कि एकदम बेकार ऐप है, इसको बिल्कुल इंस्टॉल मत कीजिए, फेक प्रोफाइल है, कुछ भी नहीं है इसमें, इस टाइप का इनका मैसेज है। और देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस टाइप के मैसेज इसमें डाल रखी है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस टाइप की किसी भी ऐप में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, उसके बदले में आप कोई अच्छी चीज़ें पढ़िए और सीखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।